So we were doing बेटे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी द डेल्टन सजेस्टेड अस दैट ऑल ऑफ द मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस and as volume is made up of atom. See, these postulates are given in your book. There are 6 postulates, so understand this postulate. Okay, means everything is made up of tiny atom. Jaise hamari body kiski bani hui hai bete, cells ki, waise ye matter kiska bana hota hai, atom ka. Jaise iski baat karu, mere haath mein chalk hai. Is chalk mein atom kaun kaun se hai? Calcium hai, carbon hai, oxygen hai. ये कैल्शियम कार्बोनेट है. ठीक है, इन एटम्स को नाम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाम क्रिएट कर सकते हैं. सेकंड पोस्टुलेट सजेस्ट अस नीदर वी कैन क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय दिस एटम्स. हमें कार्बन हमने क्रिएट नहीं किया, नाम इस कार्बन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन चेंज टू अदर फॉर्म ऑफ मैटर, इट कांट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड. ओके, in an element, if you have any element, like if I am in charcoal, understand the postulates. Postulates are given in your books, wo padh lena apne aap. You have a charcoal, usme kaun sa atom hai? Carbon ka. Agar mere paas gold hai, gold ki earrings hai, to usme atom kiska hai? Gold ka. You have silver jewelry, then which kind of atom you are having? Silver, Ag. ठीक है, मतलब हर एक चीज, हर एक मैटर किसका बना हुआ है बेटे? एटम का. ठीक है, what it? हर एक एलिमेंट के एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन साइज, एवरीथिंग रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग. अगर मेरे पास यहाँ पे सोडियम का ब्लॉक है, आप पोस्टुलेट समझो, रीड घर जाके करना. सोडियम ब्लॉक, इस सोडियम ब्लॉक किसका बना है? सोडियम के एटम्स का. ये पूरे ब्लॉक में क्या होगा? सोडियम. ये सारे के सारे एटम्स साइज में, मास में आइडेंटिकल होंगे. ठीक है, जब ये आइडेंटिकल होंगे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी. मीन्स अगर सोडियम का मैं ब्लॉक ले लूं या सोडियम की मैं वायर ले लूं, तब भी उसमें सोडियम है. अगर सोडियम को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं, तब भी मुझे सोडियम ऑक्साइड मिलेगी. अगर मैं वायर को रिएक्ट करूं, तब भी मुझे सोडियम ऑक्साइड मिलेगी. मीन्स एक एलिमेंट में एटम्स जो है आइडेंटिकल है. अगर मेरे पास एलिमेंट आयरन है, उसमें एटम्स कौन से हैं? आयरन के. तो वो सब क्या होंगे? Identical with respect to every property like chemical ya mass, everything. But this is not always. You will be doing the isotope concept. Okay? Isotope में हम ये जो postulate है fail करेंगे, क्योंकि सारे elements की जो atom है, for example अगर मैं hydrogen की बात करूं बेटे, hydrogen की 3 isotopes होते हैं. एक का मास 1 है तो दूसरे का 2 है और तीसरे का क्या है? 3. मगर है किसके एटम्स? हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है. क्या इन सब एलिमेंट के एटम का मास सेम है? नहीं. तो ये पोस्टुलेट हम आगे जाके फेल करेंगे बाद में, कि ये नहीं कह सकते कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. We'll see that atoms of different elements, same element can have different mass. It can has 1, it can have 2, it can have 3. Like chlorine, isotope 35, isotope 37. So it has mass 35 and 37 also. Okay? That are isotopes. Dekho, isotopes hote hain bete, jinke if you will go in the structure,
See, in the structure beta, you have electrons revolving. And in the nucleus, you have proton and the neutrons. ठीक है, एक होता है बेटे मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन. जैसे इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक ही है, मींस एटॉमिक नंबर सबका सेम है, दैट इज वन. दैट इज थोड़ा और अच्छा बना लो, वो बटरफ्लाई बना लो बीच में. वन टू थ्री, दीज आर थ्री आइसोटॉप्स. यू विल बी डूइंग प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, टिटेरियम, सारा करेंगे तब. ठीक है, सबका बेटे एटॉमिक नंबर वन है. जब मैं एटॉमिक नंबर वन बोल रही हूं, मीन्स सब में इलेक्ट्रॉन एक ही है. जब मैं एटॉमिक नंबर वन बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि सब में प्रोटोन भी एक ही है. जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. जितने प्रोटोन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, वो हमें एटॉमिक नंबर बताता है. मोर प्रिसाइजली केमिस्ट्री में हम नंबर ऑफ प्रोटोन की बात करते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन में एक प्रोटोन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. हम ज्यादा प्रोटोन क्यों क्यों बात करते हैं, क्योंकि कभी भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटे, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं, प्रोटोन को कुछ नहीं होता. समझ आ रही है? तो हम ये पोस्टुलेट फेल करेंगे. ऐसे कंपाउंड्स में हम देखेंगे इनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा मगर मासेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट. ठीक. अब हम एक, मेरे पास सोडियम का ब्लॉक है, अब एक है आयरन का ब्लॉक. ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है. एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. एटम किसके हैं? डिफरेंट एलिमेंट. दे हैव डिफरेंट मासेस, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो दे विल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. आयरन की केमिकल प्रॉपर्टी कितना मैलेबल है, डक्टाइल है, हार्ड है. सोडियम को कैरोसिन में रखना पड़ता है, सोडियम कैन कट विद द नाइफ ऑल्सो. तो इन दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है. एलिमेंट डिफरेंट, एलिमेंट जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, उनके एटम्स भी डिफरेंट है. अगर एटम्स डिफरेंट होंगे बेटे, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होंगी, क्योंकि आयरन में इलेक्ट्रॉन अलग हैं, इसमें अलग हैं. आयरन में 26 हैं, इसमें 11 हैं. ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, ये एस ब्लॉक को बिलोंग करता है. ये ग्रुप वन में पड़ा है, ये डी ब्लॉक के सिक्स में पड़ा है, सिक्स ग्रुप में. सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. आयरन, अगर मेरे पास एक रोड है तो वो किसकी बनी हुई है, आयरन के एटम्स की. अगर मेरे पास सोडियम की रोड है तो किसकी बनी हुई है, सोडियम के एटम्स की. तो इन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट, क्योंकि इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे. तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, मगर हम इस पोस्टुलेट को भी आगे फेल करेंगे. जब हम बात करेंगे आइसो बार्स की, हम ऐसे एलिमेंट्स देखेंगे जिनका मास नंबर सेम होगा. जैसे आर्गन एंड कैल्शियम हैव 40 मास नंबर, दैट विल डू फर्दर. ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर, गॉट इट. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता था, कि एलिमेंट्स डू कंबाइन विद द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. वही डेल्टन कह के गया. डेल्टन ने कहा कि एक कंपाउंड जब भी बनता है वो एलिमेंट्स किस में ऐड होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में, और वो आपस में ऐड होते हैं होल नंबर्स में. किसमें, मींस इट इज इन 1:8. ये नहीं कि आप फ्रैक्शनल ऐड करोगे कि 1 है तो 1/8 है. ठीक. नाउ टू रिपीट इट, सी
The first postulate is all matter is made up of very tiny particles called atom. Then atoms are indivisible particles which can't be created or destroyed. Atom can be divided into electrons, protons and neutrons. Atoms of given element are identical in mass and chemical properties. Not always. Atoms of different elements have different masses and chemical properties. Generally, not always. Exceptions are there. Atoms combine in the ratio of whole numbers. Yes. The relative number and kind of atom are constant in a given compound. True. That is law of constant proportion. So understood the postulates? You can read. I'll not write on the board. You understood? You can do yourself now. Now let us see the numericals given in your NCERT. The numerical says in a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate. This is not a numerical, a simple math sum, I can say. But as it is given in your book, we have to do it. So you have 5.3 gram of sodium carbonate. This is sodium carbonate. You are having 5.3 gram of it. Enough. Leave it. Reacted with 6 gram of ethanoic acid. Reacted with 6 gram of ethanoic acid. The product were the product were 2.2 gram of carbon dioxide. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram gram of sodium acetate. Theek? Now they are saying that show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. If you will add on this, just Karan, add on this. Stand up. Lakshya, stand up. Stand up, Lakshya, stand up. What is the sum you are getting? Which question I am doing on the board? You're already failed in two subjects. When you add it, this kind of language you are speaking. How much you will get here? So it is following the law of conservation of mass. Next is hydrogen and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass. That we know that hydrogen if it is 1, then oxygen is 8 in water.
by mass to form water, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen? See, if 1 gram of hydrogen, for 1 gram of hydrogen we need 8 gram of oxygen. For 3 grams of hydrogen, we will need 3 into 8. That is 20. If 1 gram of hydrogen is needed to combine with the 8 grams, then 3 gram के साथ कितनी oxygen आपको चाहिए? 24 grams. Got it? Now the next is, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Or postulate without Dalton ka? Which postulate of Dalton's atomic theory is result of the law of conservation of mass? Second, the atoms are indivisible and they can't be created nor be destroyed. Law of conservation of mass kya ki mass ko aap create bhi nahi karte, destroy bhi nahi kar sakte. Second postulate bhi yahi keh raha hai ki atoms ko na aap create kar sakte ho na aap destroy kar sakte. आम नंबर से इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज इन एनसीईआरटी देर आर लेस, अदर बुक देखोगे ज्यादा है, तभी मैंने आज एनसीईआरटी देखी आपकी, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी. ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको याद करने पड़ेंगे. यू विल नॉट गो फॉर द रेफरेंस फॉर द पोस्टुलेट्स, यू विल गो इन द एनसीईआरटी ओनली. अंडरस्टूड? So in the references you will find 10 to 11 postulates there. Which postulate of Dalton atomic theory can explain the law of definite proportion? It is law of constant proportion. Law of constant proportion ye kehta hai ki atom combine with fixed ratio by mass. अब फिक्स रेशियो भी किसकी बात हो रही है? देख, फिफ्थ, द पोस्टुलेट विल बी फिफ्थ दैट दे कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो दैट इज होल नंबर रेशियो. सो बेटे टिल नाउ you have done 2 laws, 1 atomic theory. The first law was law of conservation of mass. It said that matter can't be created nor be destroyed. In a chemical reaction, the mass of the reactant is equal to mass of the product. We have actually neglected this law, and now the law is being defined as law of conservation of mass and energy. According to Einstein, E is equal to mc square that follows in the nuclear reactors. Okay, now next is law of constant proportion. That law states that the atoms do combine in a fixed ratio by mass. Like you have seen the example of water, you have seen the example of ammonia given in your books, that you can take any of the example. In every element, every compound, what is an element? Element is that which is made up of one type of atom. In a periodic table, you are finding the elements. जब ये elements आपस में join करते हैं और आपको क्या मिलते हैं? Compounds. समझ आ रही है? Element और compound में फर्क पता होना चाहिए आपको. अगर मैं hydrogen बोल रही हूं तो ये एक element है. अगर मैं वाटर बोल रही हूं तो ये कंपाउंड है.
अगर मैं कार्बन बोल रही हूँ दैट इज एलिमेंट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड आई एम टॉकिंग इट इज अ कंपाउंड, एंड व्हेन आई एम मिक्सिंग लेट मी थिंक, आई हैव सोडियम, सोडियम क्या है एलिमेंट, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड, वाटर इज ऑल्सो अ कंपाउंड, नाउ आई एम मिक्स सोडियम क्लोराइड इन टू वॉटर, नाउ इट इज अ मिक्सचर, नाउ इट इज अ मिक्सचर. You will one day see your assessment. One day you will definitely see it. And you will see the change in your marks. We are not free enough always to point you up. You know what you are doing. You better know. While teaching I am strict enough. Teaching जब हो रही होती है that is teaching, and उस time आपकी learning होनी चाहिए. आप जब आप free हो you can do anything, कुछ कहते भी नहीं. That's it. Now we are talking about atom. Atom बहुत छोटा है. कहते जी बहुत सारे मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम कंबाइन करोगे तो एक थिकनेस ऑफ शीट बनेगी. ठीक, तो एटम के हमने सिंबल भी क्रिएट करे. एटम को आप 20 तक याद करने की कोशिश करते हो, वो प्लस वन तक 20 तक ही रह जाते हो. तो मैंने वैसे करवाने नहीं, मैंने और जैसे करवाने हैं कि आप उससे आगे भी बढ़ो. समझ आ रही है? You will learn according to the groups, according to the periodic table. In 9th standard, you will do S and P block. ठीक है? हाँ, that is 20 अपने आप याद हो जाएंगे. ऐसे S और P block याद होगा, तो आपको valencies अपने आप याद हो जाएंगे. Then you will understand the valencies. So atom. सबसे पहले एटम बहुत छोटे हैं, देन एटम की सिंबल की बात होती है. सिंबल इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंसेस ने जो दिए हैं. अब पहले जैसे पेट नेम रखे जाते थे, घर का नाम जैसे आपका रखा जाता है जी, हो गया तो नाम हो गया, वो हो गया आपका पेट नेम. ठीक है? सो जैसे हो गया, हमने रख दिया स्टैनिक, रख दिया टीन का, जो भी है. ठीक है? सबके ऐसे ही नेम रखे गए, मगर हम हर जगह पे वो नाम नहीं बोल पाए, तो हमने एक स्टैंडर्डाइज नेम्स यूज करे कि हर जगह वो यूज किए जाए. जैसे पोटेशियम का केलियम रखा गया, यू हैव टू लर्न दैट पोटेशियम इज केलियम, दैट इज वाई के सिंबल आता है इसका. नेट्रम, these all are given by the latest scientists, but we are not latins, we are all human beings and we learn according to that. So let us start doing the elements according to the groups. Open your notebook and write down, aur aapne first two group kal yaad karke aane hain, aur first two groups ki aapko valencies aani chahiye. आपने नाइन्थ के बाद टेंथ में होना है, एंड सम ऑफ यू आर डूइंग मेडिकल और नॉन मेडिकल, सो यू विल नॉट डूइंग फर्स्ट 20. दिस इज हाइड्रोजन. एक्चुअली हाइड्रोजन डोंट हैव एनी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ लगता है बेटे, देन इसकी वैलेंसी क्या जाती है? -1. जब नॉन मेटल्स के साथ लगता है इसकी वैलेंसी आती है +1. पहले लिखो हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी -1. राइट डाउन, हैज वैलेंसी
that is better known as oxidation state has minus 1 with metals, plus 1 with non metals. ये लिखा है ना बोर्ड पे, माइनस 1 विद मेटल्स प्लस 1 विद नॉन मेटल्स. अभी जाने की जाने आ रही है.